सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा बाहर आया था कुछ काम से, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा वीडियो के, और मेरा थंबनेल भी देख लिया होगा आपने कि आज के वीडियो का टाइटल क्या है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। माइक सेटअप मैंने कर लिया था मेरे हेलमेट में, जो मैंने परचेस किया है अभी रिसेंटली, पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो माइक में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है वीडियो में, तो उसका कुछ करना पड़ेगा, आई डोंट नो अभी। क्योंकि मैंने जो नया फ़ोन लिया है उसमें 3.5 mm जैक नहीं है, एक कनेक्टर लिया था मैंने और उसके अंदर माइक मैंने लगा कर कनेक्टर जॉइन किया था सी पोर्ट टू ऑडियो। पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखना पड़ेगा घर पे जाकर। सो एनीवेज, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज बात करेंगे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के बारे में, और मैं आज आपको मेरा यूज़र रिव्यू देने वाला हूँ 6 months का। मुझे ये परचेज़ करने के बाद 6.5 months हो चुके हैं, अभी 3 सर्विसिंग भी हो चुकी है इसकी। तो मैंने सोचा कि अभी राइट टाइम है यूज़र रिव्यू करने का। तो मेरे हिसाब से कुछ इसके प्रोज है और कॉन्स है जो मैं शेयर करूँगा आपसे। ये 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इसके प्रोज, जो भी इसके प्रोज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और सेकंड वीडियो कुछ ही दिनों में मैं अपलोड करूंगा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके कॉन्स क्या हैं। सो जल्दी से प्रोज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाउ इट लुक्स, सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, इट लुक्स वेरी ऑसम, इट लुक्स कूल, इट इज़ अ हेड टर्नर। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको पता ही होगा कि बर्गमैन कैसी दिखती है, बहुत ही कूल लगती है। इनफैक्ट मैंने जब ये ख़रीदी थी, तो जब भी मैं इसे राइड करता था सिटी में, या फिर कोई भी लॉन्ग राइड पर जब मैं लेके जाता था इसे, तो आई यूज़ टू गेट सम गुड लुक्स। तो तभी मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई हैव मेड द राइट डिसीजन बाय परचेसिंग दिस। ऑडियो में अगर विंड बहुत आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, बहुत ही जल्द इसका मैं सॉल्यूशन निकाल लूँगा। मैंने सोचा था कि आज हम माइक सेटअप कर चुके हैं हेलमेट में, तो बहुत अच्छा वॉइस आएगा, पर इसके पहले भी मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया है ये सब कुछ, पर मुझे और एक बार करना पड़ रहा है, बिकॉज़ वो पहले वाले वीडियो में सिर्फ वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ था, वॉइस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरा। तो लुक्स के बाद सेकंड पॉइंट जो मेरे हिसाब से बर्गमैन स्ट्रीट का जो सबसे अच्छा पॉइंट है, वो है इसका कंफर्ट लेवल वाइल राइडिंग। और इसका सीट भी बहुत ही अच्छा वाइड सीट दिया हुआ है, पिलियन के साथ में आप बैठ सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। पिलियन के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह है इसमें बैठने के लिए। सिटी में मैं जब भी राइड करता हूँ, तब मेरे वाइफ को मैं पिलियन बिठा कर लेकर जाता हूँ साथ में, तो उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है पीछे बैठने के लिए। और कभी कभी हम हमारे बेबी को भी लेकर जाते हैं, शी इज़ 17 months ओल्ड नाउ, तो हम तीनों भी बहुत ही कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं। सो कंफर्ट लेवल इट्स वेरी गुड।
थर्ड पॉइंट इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक लीटर में मैंने इसमें 65 से भी ऊपर का एफिशिएंसी निकाला हुआ है एवरेज, और मोटा मोटी 55 किलोमीटर आप इसे चला सकते हैं 100 रुपये के पेट्रोल में। तो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग अबाउट दिस, फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है इसकी। अगला पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी। इसका अंडर सीट स्टोरेज आपको 21.5 लीटर्स का मिल जाएगा। सामने इसके दो बॉक्सेस हैं, एक ग्लव बॉक्स है जो आप क्लोज़ कर सकते हैं और एक ओपन बॉक्स है। तो जो क्लोज़ कर सकते हैं बॉक्स, उसका कैपेसिटी है 2 लीटर, और उसमें भी आप थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा सामान स्टोर कर सकते हैं। अंडरसी स्टोरेज में भी काफ़ी कुछ आप रख सकते हैं। अगर आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और आपके पास में कोई बैग नहीं है तो आप उसके अंदर सब सामान आपका डंप कर सकते हैं। देर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर दैट। नेक्स्ट प्रो बर्गमैन स्ट्रीट का, कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो आपको बार बार आपका फ़ोन बाइक रुकाकर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लूटूथ से आप सुजुकी राइड कनेक्ट एप्लीकेशन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप अगर आता है तो आपके स्क्रीन पर ये दिख जाएगा, और उस मैसेज के या कॉल के अर्जेंसी के हिसाब से आप रुककर उसे फिर अटेंड कर सकते हैं आपका कॉल। और अगर अर्जेंट नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव इट। दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको मिल जाता है। और काफ़ी प्रिसाइज है इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन। उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ, बस ये सेटअप मेरा पूरा हो जाए। सुजुकी राइड कनेक्ट में ही आपको मैप्स मिल जाएंगे, और उसमें आप जब एंटर करेंगे आपका डेस्टिनेशन और उसे आप ऑन अगर कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा। इसके बाद आई थिंक बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, बर्गमैन की बात को, कि इसका फुटबोर्ड बहुत ही ब्रॉड है। जो है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड फुटबोर्ड है इसका। तो आपको लॉन्ग राइड्स में अगर आपके पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं तो आप अपने पैर इस तरह से स्ट्रेच करके भी चला सकते हैं। देखिए तो अगेन कंफर्ट लेवल आपका बढ़ जाता है राइडिंग के टाइम पर। पिकअप भी इसका बहुत अच्छा है। अभी मैं विंड नॉइज़ की वजह से इसे ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा हूँ, बट मैंने इसे 100 तक टच किया हुआ है। लॉन्ग राइड जिसके ऊपर मैंने बहुत की है, कभी कभी मैंने 170 किलोमीटर्स 180 किलोमीटर्स भी किया है एक दिन में, और अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है कि रिस्ट पेन या फिर बैक पेन हो जाता है लॉन्ग राइड में।
सीट पर बैठने के बाद में बट पेन भी होता है बहुत लोगों को, बैक एक होता है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं महसूस होता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं होता है। अगर आप अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू रीच ओझरखेड डैम फ्रॉम नासिक, वो अगर वीडियो आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगा, वो आप उधर से चेकआउट कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा खासा लॉन्ग राइड है नासिक से। और एक मैंने ऑफ रोडिंग का भी वीडियो बनाया था इसमें, एक्चुअली वो इतना ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं है बट बर्गमैन के हिसाब से तो वो ऑफ रोड अच्छा खासा है। तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। ये ख़राब रोड कंडीशंस को भी अच्छे से हैंडल कर लेती है क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पर है। बहुत लोगों को सॉफ्ट सस्पेंशंस पसंद नहीं आते हैं बट इस स्कूटर के हिसाब से सस्पेंशन सेटअप इज़ क्वाइट गुड। सो ये तो हो गए बर्गमैन के प्रोज। नेक्स्ट वीडियो में हम चेकआउट करेंगे बर्गमैन के कॉन्स, और ये वीडियो देखने के बाद में अगर कोई बर्गमैन लेने की सोच रहा है तो उनके साथ में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँगा। मेरा ये एक बार सेटअप पूरा हो जाए, फोटो ब्लॉगिंग का सेटअप मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आई थॉट के पूरा हो गया बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ये वॉइस रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आई हैव टू चेक दैट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।